अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह, महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जनरल नॉलेज की टेस्ट सीरीज नंबर 15 देने जा रहा हूं। आप कृपया करके अपना टेस्ट भी साथ ही साथ ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद चार ऑप्शंस पढ़ूंगा और फिर ठीक 3 से 4 सेकंड बाद आपको आंसर्स भी बताऊंगा। तो उसी के साथ साथ वीडियो के साथ साथ आप अपना भी आंसर गेस कर सकते हैं जैसे ही मैं चार ऑप्शंस पढ़ूंगा। ये 50 क्वेश्चंस की बेस्ट सीरीज है जिसमें जनरल साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमने जानबूझकर सेट किए हैं और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए, एक नई ऊर्जा देने के लिए, एक नई गति देने के लिए इस टेस्ट को ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि 35-40 से ज्यादा स्कोर हो आपका तो बेहतरीन होगा। और अभी तो आपके एग्जामिनेशन में लगभग 2 महीने का वक्त है, तो उस 2 महीने में अभी और भी बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करनी है, चीजों को रिवाइज करनी है। ये आपका कहीं दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जिस चीज को आपने पढ़ लिया है एक बार, दो बार, तीन बार, उसे इतना ज्यादा रिवीजन होना चाहिए कि अगर उस पोर्शन से एक भी क्वेश्चन कुछ भी आता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ये आपका मान तो वो होगा आपका क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी प्रिपरेशन। इस तरीके से, इसी सोच के साथ आप बढ़िएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इफ्लू इत्यादि सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन सेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया करके इसे देखने सुनने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करता हूं। चलते चलते एक बात और भी कह देता हूं कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आता रहता हूं जिसको पढ़कर सुनकर देखकर आप लाभान्वित होंगे। चलिए शुरू करते हैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड ऑल ऑफ दीज। इसका ऑप्शन कौन सा होगा ABCD में से? एटम का न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? आपको क्वेश्चन के ऑप्शन स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे, जल्दी से यस कीजिए, मैं अपना उत्तर आपको बता रहा हूं। तो एटम के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ घूमता रहता है उनके गोल गोल पे ऑर्बिटल में। Alright, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी या फॉर्मेलिटी। सॉल्यूट आप समझते हैं जो कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट वो होता है जैसे बेसिकली तरल पदार्थ होता है, राइट? सॉल्वेंट जिसमें किसी चीज को घोला जाता है, और सॉल्यूट खास करके ये आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं, इसको एक नाम दिया गया है, इसके लिए एक टर्म है, उसे क्या कहते हैं? मोलैलिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी या फॉर्मेलिटी। क्लास 11th में आपने जरूर पढ़ा होगा, साइंस के विद्यार्थी केमिस्ट्री में और इवन क्लास 9th में भी है ये चीज, ये टर्म है पढ़ने के लिए। ऑलराइट, तो आप बताइए कौन सा होगा, आपने गेस कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन होगा पहला, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे के सारे जो टर्म्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, तो CuSO4 से कॉपर को अलग करने के लिए इनमें से कौन सा मेटल का सहारा लिया जाता है? Na यानी कि सोडियम, Ag इज सिल्वर, इसके बाद है Hg दैट इज मरकरी और Fe दैट इज आयरन, इनमें से कौन सा मेटल का सहारा लिया जाता है? ऑलराइट, तो ये आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका Fe दैट इज आयरन, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो फेरस यानी कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और उसको डिस्प्लेस कर देता है, साइड कर देता है, कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है ना? तो इसलिए कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग करने के लिए फेरस यानी कि आयरन का सहारा लिया जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, उससे भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द गैस प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर विच फिल्टर्स आउट सम ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज एंड प्रोवाइड एन इफेक्टिव शील्ड
अगेंस्ट रेडिएशन डैमेज टू लिविंग थिंग्स। स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाने वाली वह कौन सी परत है जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाता है, परावैगनी किरण शायद हिंदी में कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक लेयर की तरह काम करता है वो कौन सा ये है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, ओजोन लेयर है या फिर मीथेन है, क्या है बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला बेसिकली O3 होता है, O3, ऑलराइट। और ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है। देखिए 1-2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहां पर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, ओजोन है, फॉर्मूला O3 है, और ये कहां होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में, वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज, अल्कोहल, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड। ब्लीचिंग एजेंट इनमें से कौन सा ज्यादा, सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, अक्सर यूज किया जाता है, आपका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए हमें। ब्लीचिंग एजेंट बेसिकली रिमूवल ऑफ कलर्स के लिए यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा है, और इवन कॉस्मेटिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये ब्लीचिंग एजेंट। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका क्लोरीन। ऑलराइट, क्लोरीन का यूज और भी पानी वगैरह साफ करने के लिए भी किया जाता है या स्विमिंग पूल वगैरह में भी डाला जाता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमोस्फियर इज, हीलियम, आर्गन, नियोन और ज़ेनॉन, कौन सा होगा इसमें से। रेयर गैस तो है ही है ये सबके सब, लेकिन उनमें से भी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है जो वायुमंडल में होती है, इसका इन चार ऑप्शंस में से आपने गेस करना है, सही बताना है कौन सा होगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका आर्गन, आर्गन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है द इनहेरिटेड ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग, आरएनए मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स। ऑलराइट, इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो ये है इसका सही उत्तर, इसमें से क्या होगा, ये होगा डीएनए मॉलिक्यूल्स, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। उसमें हमारे ट्रेट्स जो होते हैं, जो हमारे पेरेंटल बॉडी से हम तक पहुंचते हैं और हमसे हमारे बच्चों तक पहुंचते हैं, वो कैरी करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़ते हैं, द लस्टर ऑफ अ मेटल इज ड्यू टू, एक जो मेटल होता है, धातु होता है, उसमें लस्टर यानी कि शाइनिंग कहां से आता है, क्यों आता है। बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी, इट्स हाई पॉलिशिंग, इट्स केमिकल इनर्टनेस और प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका सही उत्तर क्या होगा ABCD में से, इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के कारण मेटल्स में लस्टर आता है, शाइन आता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री से। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट मैलिएबल मेटल इज, इनमें से कौन सा मैलिएबल मेटल है सबसे ज्यादा, जो विच कैन बी बिटन इनटू शीट्स, मेटल का मतलब यही होता है। इसके ऑप्शंस हैं प्लेटिनम, सिल्वर, आयरन या गोल्ड। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा गोल्ड। आप सरप्राइज रह जाएंगे कि 1 ग्राम गोल्ड को 1 मीटर स्क्वायर एरिया के शीट में बीट किया जा सकता है, दैट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। तो 1 मीटर स्क्वायर सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से बनाया जा सकता है, तो समझ सकते हैं, इसीलिए इसका यूज जो है खास करके ऑर्नामेंट्स में किया जाता है, ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द मटेरियल यूज, द मटेरियल विच कैन बी डिफॉर्म्ड परमानेंटली बाई हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, केमिकल कंपाउंड, थर्मोसेट और पॉलीमर। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऐसे मटेरियल जिनको परमानेंटली डिफॉर्म किया जा सकता है, उनके शेप को चेंज किया जा सकता है हीट यानी कि टेम्परेचर देकर के और प्रेशर अप्लाई करके, ऐसे कौन से मटेरियल हैं, तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं थर्मोसेट। बेसिकली इनका यूज जो है प्लास्टिक की चेयर बनाने में, प्लास्टिक के स्टूल बनाने में, ये सारी चीजों में किया जाता है। इवन डस्टबिन जो होते हैं आपके घर में प्लास्टिक्स वाले, वो थर्मोसेट्स ही होते हैं। ऑलराइट, तो थर्मोसेट्स के साथ ही साथ, इन सब के एग्जांपल के साथ साथ, आपको बैकलाइट और टेफ्लोन, इन सब का यूज कहाँ होता है,
ये आपको जानना होगा और ये इवन सातवीं आठवीं के बुक्स में दी हुई है चीजें, टेफ्लन और बैकलाइट के एग्जांपल्स, ऐसे चीजें यूपीएससी तक के एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। आपको मैं बता दूं सीडीएस एनडीए तक, सीएफएफ असिस्टेंट कमांडेंट तक। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज नोन एज इथाइलिन इथेन कार्बन डाइऑक्साइड एसिटिल और एसिटाइल। तो इनमें से कौन सा गैस है जो बेसिकली ग्रीन फ्रूट्स को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप जल्दी से, ए बी सी डी ऑप्शन में से। इसका सही उत्तर होगा आपका इथाइलिन, इथाइलिन। ऑल राइट, ऑप्शन ए इथाइलिन इज 100% करेक्ट ओवर हेयर। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कैल्सियम कार्बाइड इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और उससे गैस निकलती है इथाइलिन, जिसके कारण यह पकता है। जैसे केला बनाने में, आप केला को पकाने में घर में भी यूज किया होगा, हमने तो बहुत सारे यूज किए अपने घर में, बिकॉज बचपन में केला पकाने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड कॉफी, इनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है जो चाय और कॉफी में पाया जाता है? निकोटिन, क्लोरोफिल, कैफिन या फिर एस्पिरिन? इसका उत्तर क्या होगा आप जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा आपका कैफिन, ऑप्शन सी इज 100% करेक्ट ओवर हेयर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का सबसे मजबूत या हार्डेस्ट फॉर्म क्या होता है? कोक, ग्रेफाइट, डायमंड या फिर चारकोल? ये चारों के चारों कार्बन के ही फॉर्म है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कौन सा होता है, मजबूत कह सकते हैं, टफेस्ट कह सकते हैं? तो इट इज नथिंग बट द डायमंड। अच्छा, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है C60 आपने पढ़ा होगा शायद क्लास 10th में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर में। हाँ, तो C60 वाला जो वो है ना, इसका स्ट्रक्चर है, उसी के कारण ये कहीं ना कहीं डायमंड का जो स्ट्रक्चर, इट इज रिलेटेड टू समथिंग एंगल, इस तरीके से उसके एटम्स अलाइन होते हैं कि वो इसको सबसे ज्यादा हार्डेस्ट बना देते हैं डायमंड को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द लॉज ऑफ हेरिडिटी, इनमें से कौन से साइंटिस्ट हेरिडिटी के नियम बताते हैं या कानून बताते हैं? इसके ऑप्शन है हेनरी केवेंडिस, हेनरी डुनांट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ग्रेगर मेंडल। तो इसको लॉज ऑफ हेरिडिटी देने वाले साइंटिस्ट हैं ग्रेगर मेंडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने ज्यादातर अपने एक्सपेरिमेंट जो है मटर के पौधे से किया है। Alright, तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि हु इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी को खोज करने का क्रेडिट किसे जाता है? रॉबर्ट हुक, अल्बर्ट एस ग्योजरी या फिर जेम्स वाटसन या विलियम हार्वे? इसका सही उत्तर क्या होगा, विटामिन सी की खोज करने का क्रेडिट किसको जाता है? तो अल्बर्ट एस ग्योजरी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है द फोल्डेड अर्थ, द फोल्डेड अर्थ इज अ बुक रिटन बाय होम, द फोल्डेड अर्थ एक पुस्तक का नाम है, इसकी रचना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, अनुराधा रॉय और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही उत्तर होगा द फोल्डेड अर्थ के जो लेखक हैं उनका नाम है अनुराधा रॉय, अनुराधा रॉय, जो कि एक जर्नलिस्ट भी है और उन्होंने अभी तक 4 नॉवेल्स लिख दिया है, अनुराधा रॉय। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता संग्राम से, द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए वॉज फाउंडेड बाय होम, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे जो सैन फ्रांसिस्को में फाउंड की गई थी? रामचंद्र मेहता, लाला हरदयाल, मादाम भिखाजी कामा या उद्धम सिंह? इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से गेस कीजिए, इसका सही उत्तर होगा आपका लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने सोहन सिंह भकना के साथ में मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने की थी, और ये बेसिकली वो सिख समुदाय द्वारा स्थापित पार्टी थी जो इंडिया से माइग्रेट होकर के यूएस और कनाडा में रह रहे थे, ठीक है ना, तो ये गदर पार्टी उन्होंने स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की, गरबा इज अ डांस फॉर्म फेमस इन विच स्टेट, गरबा किस
स्टेट का फेमस डांस है बिहार, हरियाणा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? इसका सही उत्तर है गरबा, इज रिलेटेड टू गुजरात। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं कि कान्हा इज अ नेशनल वाइल्ड लाइफ रिजर्व सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। द रिजर्व इज सिचुएटेड विथ विच एनिमल? कान्हा एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें कौन से जानवर के लिए फेमस है ये? वाइल्ड एस, एलिफेंट, टाइगर या फिर रेनडियर? इसका सही उत्तर है आपका टाइगर। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि निजाम सागर डैम इज बिल्ट ऑन मंजीरा रिवर इन विच स्टेट? निजाम सागर बांध किस स्टेट में स्थित है जो कि मंजीरा रिवर पर बांधा गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको उत्तर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा आपका तेलंगाना। ऑलराइट, विच कैन बी सेड टू बी द न्यूएस्ट स्टेट, द न्यूली फॉर्म स्टेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? नेशनल ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जस्टिस एच एल दत्तू, सुधीर भार्गवा, रंजन गोगोई या नंद कुमार राय? इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जस्टिस एच एल दत्तू इज प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 की सिरिल रामाफोसा वॉज द चीफ गेस्ट टू इंडिया ऑन रिपब्लिक डे 2019, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ब्राजील, कैनेडा, साउथ अफ्रीका और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? सिरिल रामाफोसा एक देश के राष्ट्रपति हैं जिन्हें साल 2019 में रिपब्लिक डे परेड राजपथ पर जो होता है उसको विटनेस करने के लिए बुलाया गया था, वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको उत्तर बताता हूं। ये राष्ट्रपति हैं साउथ अफ्रीका के, और कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। 1994 में आजाद हुआ है साउथ अफ्रीका, तो हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की इंडियन नेशनल कैलेंडर विच इज बेस्ट ऑन साका एरा विद चैत्रा एज इट्स फर्स्ट मंथ, इट वॉज एडॉप्टेड ऑन विच डेट एंड ईयर? 22 जुलाई 1957, 22 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950 या फिर 22 मार्च 1957? इसका सही डेट बताइए। इंडियन नेशनल कैलेंडर जो ठाकुर प्रसाद वाला हम लोग फॉलो करते हैं, जिसका चैत्र महीना सबसे पहला महीना है, ऐसे होता है चैत्र, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो, आसिन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, उसमें भी 12 महीने ही होते हैं। और अभी जो होली बीत गई आपकी, फागुन का महीना बीत गया और अब शुरू होगा चैत्र का महीना, पहला महीना चैत्र का होता है। तो ये कौन से डेट को अडॉप्ट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 22 मार्च 1957। और 22 मार्च से ताल्लुकात यह है कि ऐसा माना जाता है कि चैत्र दिन की जो शुरुआत होती है, चैत्र का महीना का जो शुरुआत होता है, उसका पहला दिन 22 मार्च को आता है। समझ रहे बात को? हाँ, तो 22 मार्च को आता है, इसीलिए 22 मार्च 1957 को इसे अडॉप्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन साका एरा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियन टेरिटरी? दादर नगर हवेली का राजधानी कहां पर है जो कि एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है? कवारत्ती, पोर्ट ब्लेयर, दादर या फिर सिलवासा? इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका सिलवासा। महाराष्ट्र और गुजरात के पास स्थित यह यूनियन टेरिटरी दादर नगर हवेली, जिसकी राजधानी सिलवासा में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी की वाव करंट अफेयर्स भी है। रानी की वाव द क्वींस स्टेप वॉल बिकम्स द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन इंडिया सिचुएटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका या फिर पंजाब? रानी की वाव, उस रानी का एक तरीके से सीढ़ी नुमा कुआं है जो स्टेप बाय स्टेप चल के कुएं तक पहुंचती है, नीचे तक बहुत ही, और उसे यूनेस्को में शामिल किया ही गया है
उसी के साथ साथ 100 रुपए का जो नया नोट है भारत में उस पे भी इसका चित्र अंकित किया गया है, रानी की वाव। तो यह महान स्थली या हेरिटेज किस राष्ट्र किस स्टेट में है? यह है आपका स्टेट ऑफ गुजरात में स्थित। कहां पे? स्टेट ऑफ गुजरात के पटन, एक जगह का नाम है पटन, वहीं पर स्थित है। अभी मौका मिले तो जाइएगा जरूर, हालांकि मैं भी अभी तक इस जगह पर गया नहीं हूं, जाऊंगा जरूर कभी। क्वेश्चन नंबर 26, ये कह रहा है कि मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मीनाक्षी टेम्पल किस स्टेट में स्थित है, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला या फिर तमिलनाडु? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। मीनाक्षी टेम्पल जो कि मदुरई में है और वो तमिलनाडु में स्थित है। हमें ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताइए कि जगन्नाथपुरी कहां पर स्थित है, ऑलराइट, या जगन्नाथ टेम्पल कहां पर स्थित है, किस स्टेट में है, ये हमें लिख करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1896 टू कैरी ऑन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन जो कि 1896 में स्थापित की गई थी मानव समाज के कल्याण के लिए, तो इसकी स्थापना की थी आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद ने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और आज तक इस धरती का सबसे महान पुरुष मानता हूं मैं स्वामी विवेकानंद को। मतलब समझिए, कल्पना कीजिए कि एक बार जिस इंसान ने पुस्तक के पेज को पढ़ लिया, किसी भी पेज को पढ़ लिया, उसके सारे वर्ड्स उसको याद हो गए। समझ सकते हैं कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन और क्या चीज रही होगी इनके अंदर। सच अ ग्रेट पर्सन ही वॉज। सिर्फ 39 साल इस धरती पर रह सके, लेकिन इस छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना कुछ कर दिखाया कि दुनिया शायद उन्हें हमेशा हमेशा याद रखेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग वायसरायज टेन्यो साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड। किस वायसराय के टेन्योर में साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड? इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय में 1928 में साइमन कमीशन आया था। और साइमन कमीशन क्या था कि इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 MPs, 7 British MPs, ऑलराइट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सजेस्ट करने वाले थे गवर्नमेंट को कि क्या उसे अडॉप्ट करना चाहिए। इसमें गलत बात यह थी कि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था उस 7 मेंबर्स में से, इसीलिए इसका बहुत विरोध हुआ था और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इसी का विरोध करते हुए हो गई थी, जिसको पुलिस ने लाठी से मार दिया था उन्हें, लाला लाजपत राय को। तो ये बहुत ही भारतीय इतिहास का इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइमन कमीशन, जो कि लॉर्ड इरविन के समय में 1928 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर दादा भाई नौरोजी? इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक, इज नोन एज फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अच्छा, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताइए कि हु इज नोन एज फादर ऑफ रेनेसा, हु इज नोन एज फादर ऑफ रेनेसा इन इंडिया। अब भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, हिंदी में अनुवाद कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 38 कि हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक प्लांड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लांड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शन है एम विश्वेश्वरैया, भीमराव अंबेडकर, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू। तो दो ऑप्शन जो है इसके बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जिसपे आप धोखा खा सकते हैं, आपका आंसर गलत हो सकता है। जल्दी से गेस कीजिए, वैसे मैं आपको बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा मुचगुंडम विश्वेश्वरैया। ये बहुत बड़े इंजीनियर थे और उसी के साथ साथ एक राजनेता भी थे, मैसूर के रहने वाले थे। इन्हें 1955 में भारत रत्न भी दिया गया है और मैसूर यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी और प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी थी। दादाभाई नौरोजी से इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि दादाभाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु कैलकुलेटेड फर्स्ट टाइम
इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को पहली बार कैलकुलेट किया था दादा भाई नौरोजी ने, इसलिए इस ऑप्शन से आप कंफ्यूज हो सकते थे अगर आप डीपली पढ़े होंगे तो। अगर टुक्का लगाना है दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो जिन्होंने अगर सही किया उनको बहुत बहुत बधाई। क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है कि आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान का 368 नंबर आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट कॉम्पोजिशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 368 ये कहता है कि जो संविधान है उसको अमेंड किया जा सकता है, उसका संशोधन किया जा सकता है। ऑल राइट, अगला है क्वेश्चन नंबर 32 कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस वर्ग में रखा जाता है, किस टाइप में गिना जाता है, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट या फिर मिक्स्ड। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है क्योंकि इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही तरह की इकोनॉमी है, तो इसे इस वर्ग में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ये कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स फाइटर प्लेन सुखोई 30 MKI has been borrowed from which country? एक फाइटर प्लेन का नाम है सुखोई 30 MKI, ये किस देश से लिया गया है, USA, UK, रशिया या फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, खास करके जिस डिफेंस एस्पिरेंट्स जो भी हैं उनको, वैसे जनरल नॉलेज के लिए सभी को पता होना चाहिए। तो सुखोई 30 MKI रशिया के सहयोग से लिया गया है, कोलैबोरेशन विद रशिया करके ये हमें भारत ने डेवलप किया है, हिंदुस्तान में उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसके, और टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया से आई हुई है। सुखोई 30 MKI बहुत ही खतरनाक फाइटर प्लेन है ये। अगला क्वेश्चन है कि हु ऑल आर मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स के मेंबर्स कौन कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बांग्लादेश, रोमानिया, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया एंड साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी कह रहा है ब्राजील, रवांडा, इंडिया, क्रोशिया और सूडान। ऑप्शन सी कह रहा है बांग्लादेश, रोमानिया, इंडिया एंड कम्बोडिया। ऑप्शन डी कह रहा है कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब हमें ऑप्शन में ये लिख करके बताइए कि साल 2020 का जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा वो कहां पर होगा, कौन से कंट्री में होगा। और थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूं कि 2009 में इसे स्थापित किया गया था ब्रिक्स को। ऑलराइट, जो पांच देशों का समूह है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और उसी के साथ साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर के चलने वाला, इन पांचों देश के सहमति से एक दूसरे के सहयोग करने के लिए इस चीज को बनाया गया था, ब्रिक्स को बनाया गया था। इसका 2020 का शिखर सम्मेलन कहां होगा ये आपको लिख के बताना है। और 2019 का जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका ब्राजील में, ये आपको मैंने बता दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 से इसकी पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम, इसे हिंदी में पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, इंडिया को कौन से स्टेट से अलग करता है, स्टेट मतलब यहाँ पे कंट्री है, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश या फिर चाइना। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज श्रीलंका, श्रीलंका से इंडिया को पाक स्ट्रेट अलग करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ रहे हैं। द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय, एंशियंट जो प्राचीन समय की नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको किसने बनाया था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और हर्षवर्धन, जो कि पूरे विश्व की राजधानी हुआ करती थी, यूरोप से, एशिया के डिफरेंट कंट्रीज से लोग वहां पर पढ़ने के लिए आते थे, बहुत ही विशाल यूनिवर्सिटी थी, उसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इसके पुस्तकालय को जलने में 6 महीने का वक्त लगा था, समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा रहा हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं कि बेकिंग सोडा इज आल्सो नोन एज, बेकिंग सोडा को किस नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ब्रोमाइड। इसका सही उत्तर क्या होगा, बेकिंग सोडा को जानते हैं
सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का, ऑलराइट, जो कि खाने के लिए यूज होता है। कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बता दीजिए हमें कि वॉशिंग सोडा को और क्या कहते हैं और उसका सिंबल क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ये कह रहा है द कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज येलो बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम, पोटेशियम, एंडोर्फिन या फिर इंसुलिन। मानव मूत्र का जो कलर होता है वो येलोइश क्यों होता है, पीलापन उसमें क्यों होता है, किस सब्सटेंस के प्रेजेंस के कारण होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से गेस करना है फटाफट। मैं आपको उत्तर बताता हूं, आपने गेस कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम एक पिगमेंट है जो लगभग पीले कलर का होता है, उसी के प्रेजेंस के कारण मानव यूरिन का जो कलर होता है दैट इज येलोइश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 की, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो द पर्सन नोन फॉर द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज जवाहरलाल नेहरू, दैट इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1950 में इसे बनाया गया था, जिसे साल 1915 में, जनवरी 1915 में उस नाम को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं या चेयरमैन हैं, he is none other than the prime minister of our country, Shri Narendra Damodar Das Modi। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं कि विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का स्राव करने के लिए इसमें से कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे शरीर में होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पैंक्रियास, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड या फिर पिनियल ग्लैंड। इसका सही उत्तर होगा आपका पैंक्रियास। पैंक्रियास जो ग्लैंड है वो इंसुलिन का स्राव करता है, और इंसुलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस करता है, उसको अच्छे से रेगुलेट करता है। अगर इंसुलिन का स्राव हमारे शरीर में अच्छे से नहीं होगा तो हमें डायबिटीज रोग हो जाएगा, जिसको शुगर या चीनी रोग से भी जानते हैं, समझ सकते हैं आप। तो हाउ इंपॉर्टेंट इंसुलिन इज फॉर आवर बॉडी यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ये कह रहा है कि विच गवर्नर जनरल वॉज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हिंदी में हड़प नीति के नाम से जानते हैं। तो हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अपनाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हास्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कर्नवालिस। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रयोग किया था, और इसी में झांसी की रानी ने अपने उनका जो क्षेत्र था उसको बचाने में, झांसी को बचाने में, मतलब शहीद हो गई थी। वो कह रही थी कि मैं झांसी नहीं दूंगी और मैं चुप नहीं बैठूंगी, भले ही मुझे प्राण देना पड़े, और घोड़े पर सवार होकर बालक को पीछे बांधकर और तलवार लेकर निकल पड़ी और शहीद भी हो गई। और वो भी इतिहास को समझिए कि झांसी की रानी का जन्म जो है, जन्म स्थल जो है वो बनारस ही है, अस्सी घाट के पास में ही उनका जन्म स्थल ही है, आज भी जाके आप देख सकते हैं। तो बड़ा ही, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं बनारस से, अच्छा लगता है ये सब चीजें जानकर। क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू, पंडित विजयालक्ष्मी पंडित, उषा मेहता या फिर एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर होगा आपका एनी बेसेंट, जो कि बहुत ही महान लेडी थी। Although she was Irish lady, आयरलैंड की रहने वाली थी, लेकिन वो एक सोशलिस्ट थी, एक बहुत अच्छी वक्ता थी, एक बहुत अच्छी एक्टिविस्ट थी, एजुकेशनिस्ट थी, फिलेंथ्रोपिस्ट भी थी, और उन्होंने ही सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना भी करी थी। तो समझ सकते हैं, तो एनी बेसेंट वॉज सच अ लेडी जो साल 1917 में भारतीय नेशनल कांग्रेस का पद संभाली थी, प्रेसिडेंट का पद। क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है कि विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन।
कौन से भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन को मतलब सी कोस्ट को टच करती है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका गुजरात। गुजरात के पास जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है और अरब सागर को टच करता है गुजरात, और दूसरे नंबर पर जो है कोस्ट लाइन वो है आंध्र प्रदेश का। 7000 समथिंग किलोमीटर का एरिया भारत का कोस्ट लाइन को टच करता है, समुद्र को टच करता है, समुद्री सीमाओं को टच करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ये कह रहा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? भारत के दो सेशन के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, कितने महीने का गैप हो सकता है? 4 महीना, 8 महीना, 6 महीना या फिर 5 महीना? इसका सही उत्तर है आपका 6 महीना, 6 months। मतलब कम से कम 2 मीटिंग जरूर होनी चाहिए साल भर में पार्लियामेंट में। वैसे 3 मीटिंग, 3 सेशंस होते हैं बीएमडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, जिसे सबसे पहला बजट सेशन होता है, दूसरा होता है M4 मॉनसून सेशन, और तीसरा होता है W4 विंटर सेशन। तो आप समझ सकते हैं, इस चीज को याद रख लीजिए, बीएमडब्ल्यू से हमने याद किया हुआ इसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कई बार रटा होगा आपने। रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन। द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन एशिया वॉज रविंद्रनाथ टैगोर इन 1913। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं गीतांजलि के लिए। और मदर टेरेसा को भी मिल चुका है, अमर्त्य सेन को भी मिल चुका है, सीवी रमन को भी मिल चुका है, मतलब सब चारों के चारों ऑप्शन वाले लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि सीवी रमन को नोबेल प्राइज किस लिए मिला था और कौन से साल में मिला था, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगला क्वेश्चन है द इंडियन स्टेट फेमस फॉर द सैंडलवुड। सैंडलवुड को हिंदी में चंदन बोलते हैं, चंदन की लकड़ी, राइट? तो चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा भारत का राज्य फेमस है? केरला, कर्नाटका, गोवा या तमिलनाडु? इसका सही उत्तर है आपका कर्नाटका। एक चीज याद होगी, अगर आपने थोड़ा सा इतिहास जाना होगा तो बीरप्पन था, चंदन तस्कर बीरप्पन एक डाकू था जो चंदन की लकड़ी की तस्करी करता था, और उसे साल 2002 या 3 में मारा गया था, मतलब उसका एनकाउंटर किया गया था। तो कर्नाटका के जो जंगल है वो सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी वहां पर बहुत ज्यादा है, और चंदन की लकड़ी की खासियत है कि उसमें सांप हमेशा लपटे रहते हैं, इतनी ज्यादा खुशबू होती है उसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ये कह रहा है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज एट, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां स्थित है? न्यूयॉर्क, खड़गपुर, वाशिंगटन डीसी या गोरखपुर? जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दैट इज गोरखपुर। अब वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क से आप कंफ्यूज भी हो सकते थे, इसलिए मैंने जानबूझ के ये ऑप्शन डाला था। और गोरखपुर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, जिसका प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 जो है वो एक ही पे है, इसीलिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। और इससे पहले खड़गपुर जो है वेस्ट बंगाल का, वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। गोरखपुर लगभग पिछले 2012 में ये बन गया था, 2012 या 13 में। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि हु इज नोन फॉर द फर्स्ट वर्क ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता फ्रॉम संस्कृत? भगवत गीता को संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेशन पहली बार किसने किया था? मैक्स मुलर, मैथ्यूज विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस या फिर जेम्स कॉटवेल? इसका सही उत्तर होगा आपका चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ट्रांसलेटेड गीता इन इंग्लिश फ्रॉम संस्कृत, और वो भी काम बनारस में भी हुआ था, बनारस में ही हुआ था बल्कि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 की द रेडिएशन एलिमेंट रेडियम वॉज डिस्कवर्ड बाय होम? बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइजक न्यूटन, मैरी क्यूरी या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन? तो इसका सही उत्तर है आपको मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, और उनके हस्बैंड जिनका नाम है पियर ए क्यूरी, उनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। और दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के एक और एलिमेंट की खोज की थी, जिसका नाम रख दिया था पोलोनियम। ऑलराइट, पोलैंड के रहने वाले थे इसलिए उसका नाम रख दिया था पोलोनियम, और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, और दोनों को इनफैक्ट दोनों हस्बैंड वाइफ को नोबेल प्राइज मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 58, द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड
इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इनमें से कौन से गैसेस का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को ज्यादा समय तक रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, जो ऑयली फैट्स फूड होते हैं, ऑयली और फैटी फूड्स होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नियोन? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, आपने गेस कर लिया होगा, क्लास टेंथ की बुक में ये चीज लिखी हुई है एनसीईआरटी पैटर्न वाली साइंस में, इसका सही उत्तर होगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज 100% करेक्ट इन दिस केस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। उम्मीद है ये 50 के 50 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, अच्छे स्टैंडर्ड के थे, जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन हमने ज्यादा डालने की कोशिश की थी, और भी बहुत सारी चीजें आपको पता लगा होगा इसके थ्रू। तो अगर पसंद आया तो जरूर इसे लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर तो जरूर ही कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड लक एज ऑलवेज, नमस्कार।